भाजपा विधायक का गालियां और धमकी देते हुए ऑडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। दरअसल मुरादाबाद वैश्य जागरूक मंच के प्रदेश महामंत्री और हिंदू जागरण मंच से जुड़े एक व्यक्ति को सोशल मीडिया के पेज फेसबुक पर कोरोना महामारी में हो रही भाजपा के कार्यकर्ताओं और उनके परिवार के सदस्यों की मौतों का मैसेज पोस्ट करना उस समय भारी पड़ गया जब मुरादाबाद से भाजपा के नगर विधायक ने उक्त पदाधिकारी को फोन करके केवल धमकी ही नहीं दी बल्कि सड़क छाप अभद्र भाषा में गंदी गंदी गालियों की बौछार कर डाली। पोस्ट करने वाले पदाधिकारी को अब सत्तारूढ़ पार्टी के विधायक का डर सता रहा है। दरअसल आज सोशल मीडिया के व्हाट्सएप ग्रुप में मुरादाबाद के भाजपा से नगर विधायक रितेश गुप्ता द्वारा गालियां देते हुए ऑडियो वायरल हो गया। इस ऑडियो में नगर विधायक अंकित अग्रवाल नाम के व्यक्ति को बेहद अभद्र और अमर्यादित भाषा में अपमानित करते हुए साफ सुना जा रहा है। आपको बता दें अंकित अग्रवाल मुरादाबाद के सिविल लाइन इलाके के रहने वाले हैं और वैश्य जागरूक मंच के प्रदेश महामंत्री के साथ साथ हिंदू जागरण मंच से भी लंबे समय से जुड़े हुए हैं। इनकी गलती बस इतनी सी है कि भाजपा से जुड़े कार्यकर्ताओं और उनके परिजनों की कोरोना संक्रमण से मौतों के चलते इन्होंने प्रदेश सरकार में मंत्री और विधायकों को घेरते हुए एक पोस्ट वायरल कर दी जिसमें इनके द्वारा मुरादाबाद के जन प्रतिनिधियों द्वारा बढ़ती जा रही लापरवाही को उजागर करने का प्रयास किया गया था। लेकिन अब इन्हें ये भारी पड़ गया है। इस ऑडियो के संबंध में जब नगर विधायक से बात की गई तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि हाँ ये ऑडियो उन्हीं का है। मैं तो पार्टी का ही कार्यकर्ता हूँ, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का कार्यकर्ता हूँ और लगातार पार्टी के हित में ही काम कर रहा हूँ जो भी कर रहा हूँ। लेकिन जब से ये कोरोना आया तब से देख रहा हूँ कि कार्यकर्ता के स्वयंसेवक के परिवार वाले गोदी में दम तोड़ दे रहे हैं, उनको अस्पताल में बेड भी नसीब नहीं हो पा रहा बहुत सारे। तो इन्हीं सब चीज़ों को थोड़ा सा नाराज़ होकर मैंने 20 अप्रैल को थोड़ी सी पोस्ट लिखी थी कि हमारे जनप्रतिनिधि जितनी कमाई करने इन्होंने 4 साल में कमाई कर ली, लेकिन अब थोड़ा कार्यकर्ता के हित का भी काम कर लें। तो उस पर थोड़ा सा मेरे पास उस दिन दबाव आया। 20 तारीख को मेरे पास इंस्पेक्टर सिविल लाइन का फ़ोन आया। 21 तारीख में एक अपने अनुसूचित मोर्चे के कार्यकर्ता हैं, शायद नाम नहीं पता, कोई वाल्मीकि भाई साहब थे हमारे, तो वो आए। फिर अगले दिन ये पता लगी कि वो मुझसे बात नॉर्मली बात करके गए, लेकिन पता लगी कि उन्होंने कंप्लेंट कर दी कि साहब मैं उनसे कुछ अभद्रता करी मैंने, क्योंकि कोई साक्ष्य नहीं है। मेरा नेचर अपने कार्यकर्ताओं सबको पता है, मेरे घर पर कोई भी आता है तो चाय नाश्ता करके जाता है। तो दबाव बनाने का प्रयास किया गया कि आदमी पोस्ट डिलीट कर देगा, मैं कार्यकर्ता के हित की बात ना करेगा कोई आदमी उसके रहा है। पर कल योगी जी आए थे मुरादाबाद, माननीय मुख्यमंत्री जी आए थे, तो व्यवस्था अच्छी नहीं, तो उसके लिए मैंने आज लिखा था कि हो सके तो काश ऐसा हो जाए कि मुख्यमंत्री जी हर सप्ताह मुरादाबाद आ जाएँ। इस बहाने दिखावे के लिए सही, लेकिन जनप्रतिनिधि थोड़ा सा काम तो करेंगे शहर के हित के लिए, जनता का कुछ तो भला होगा, कार्यकर्ताओं की इज्जत तो होगी थोड़ी सी। उसी बात में नाराज़ होकर आज विधायक जी ने फ़ोन करके बिना मुझसे समस्या पूछे ना ये कहते कि भाई कोई तू मेरा कार्यकर्ता है, तू मेरा चुनाव लड़ा रहा है, मेरा पोलिंग एजेंट बनना है, चल कोई समस्या है बता मैं क्या कर सकता हूँ, पोस्ट डिलीट कर, हो सकता है मैं कुछ उसमें उनके सहयोग करता। वो तो फ़ोन करके धमका रहे हैं कि घर में उसके जूतों से मारेंगे और मैं जानता नहीं उनको, वो मेरे साथ ये करेंगे वो करेंगे, पता नहीं क्या क्या कर सकते हैं विधायक। कॉल आई थी आपके पास ये आज 9 मई 2021 को शाम को दोपहर में लगभग 2:40 पर कॉल आई थी विधायक जी की मेरे पास। उनके पहले आपके कॉल की तो विधायक जी सबसे पहले क्या बोला? विधायक जी ने शुरुआत इसी बात से करी थी कहाँ का नेता हो रहा है तू, तो ज़्यादा कार्यकर्ताओं का ठेकेदार हो रहा है। अब कार्यकर्ता तो कार्यकर्ता है, कार्यकर्ता किसी का ठेकेदार कैसे हो जाएगा? आपने कि विधायक जी का नाम भी कहा था खुला था गया? मैंने किसी का नाम नहीं लिखा, मैंने सिर्फ जनप्रतिनिधि लिखा था कल की पोस्ट में और आज की पोस्ट में अपनी, तो सिर्फ जनप्रतिनिधि। अब हो सकता है कार्यकर्ता तो आईना दिखा रहा है, आप किसी को अपना चेहरा बुरा लग रहा हो तो मैं क्या कर सकता हूँ? हमने आईने दिखाया, जिसको अच्छा लगा वो शांत है, जिसको बुरा जिसका चेहरा गंदा उसमें बुरा लग गया अपना चेहरा। क्या दी धमकी दी ऑडियो में? ऑडियो में वो कहना बोले मैं तेरे घर में घुस के मारूंगा, जूतों से मारूंगा, तू जानता नहीं है, तेरा मैं सब कुछ कर लूंगा। कुछ बातें बता रहे हैं, कुछ बातें हवा में कह रहे हैं कि सब तू जानता नहीं तेरे साथ क्या क्या कर लूंगा, हो सकता है मरवा दें, घर पर बम बम फेंकवा दें। बड़े स्तर के विधायक हैं, कुछ भी कर सकते हैं। क्या किससे खतरा लग रहा है? विधायक जिससे तो खतरा है ही, अब जो ऐसी बात फोन करके बोल रहे हैं इतने ज़्यादा क्रोध में, ऐसा लग रहा है कि पता नहीं मैंने क्या कर दिया हो, जबकि लगातार मैं उनसे कह रहा हूँ कि भाई साहब आपका ही कार्यकर्ता हूँ, किसी और पार्टी का कार्यकर्ता तो नहीं हूँ। राम राम मैडम। हाँ अंकित। राम राम मैडम। हाँ राम राम। क्या परेशानी है तुम्हें? कोई परेशानी नहीं बस। ये पोस्ट लिख रहे हो उल्टी सीधी, क्या मतलब है? बस अब परेशानियां हुई हैं कार्यकर्ताओं को। तू ठेकेदार है कार्यकर्ताओं का? मैं बस मैं ठेकेदार नहीं हूँ, मैं तो नहीं ठेकेदारी लग रहा है तू, जो तू फेसबुक पे लिखता है उल्टा सीधा, तेरे को पता है हम क्या काम कर रहे हैं क्या काम नहीं कर रहे हैं? तू घर में बैठा हुआ है, कितने लोगों की सेवा कर रहा है तू घर पे बैठ के, बाहर जाके अस्पतालों में घूम के, तू तो भगवान नेता है वैसे, समाज का प्रदेश का कुछ बना हुआ है तू तो।
तो तू तो बहुत सेवा कर रहा होगा, क्यों तेरे को पता हम क्या कर रहे हैं? तू जिस संगठन से जुड़ा हुआ है संघ के उनसे तूने पूछा कि हम लोग क्या काम कर रहे हैं? वहां से तो बाहर हूँ आज, वहां से बाहर कर। क्यों नहीं उनसे पूछा तूने कि हम लोग क्या काम कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं? साले फेसबुक पे बैठ के लिख रहे हो, यहाँ पे घर में बैठ के दिमाग खराब हो गया है? जानता नहीं है तू? नहीं तेरा दिमाग खराब है, किसी गलत फहमी में घूम रहा है? साले फेसबुक वॉरियर बन लो घर में बैठ के, हैं तुम बताओगे तुम्हें क्या, हमें क्या करना है? तो वैसे मैं आपका नाम लिख रहा हूँ, औकात मेरा मारूंगा जूते आगे ना तेरे घर पे ही, भूल जाएगा सब छगड़ी, कभी पूछ रहा हो किसी पे तू? साले औकात से बाहर हो रहे हैं, मन कैसे फेसबुक को कुछ भी लिखोगे तुम लोग? तो भाई साहब आपके चुनाव लड़ा रहा हूँ पूरी जिंदगी से। नहीं चुनाव लड़ा रहे हो या चुनाव लड़ा लिख रहे हो किसी से? किसी और को चुनाव लड़ाया मैंने पता? साले 50 से ज्यादा लोग मैंने जिंदगी बचा दी है लोगों की, हॉस्पिटल में एडमिट करा के, तुमने क्या कहा लिखने के अलावा फेसबुक पे? उनका नाम लिखूंगा फेसबुक पे कि मैंने किस किस को कितना एडमिट कराया, किसको कितने इंजेक्शन दिलवाए? दिमाग खराब तुम लोगों का हो गया सालो, औकात से बाहर हो रहे हो। अगर कमजोर इसलिए हूँ कि मैं विधायक हूँ तुम्हें बता रहा हूँ, मैं इसी वजह से कमजोर हूँ, कुछ बोल नहीं रहा। तो भाई साहब आपका ही तो चुनाव लड़ा रहा हूँ, आपका ही पोलिंग एजेंट बनना हूँ, आपकी पर्ची बांटता हूँ। तो नहीं हम दलाली कर रहे हैं, हमने कौन सी दलाली कराई, हमने तेरी कौन सी दलाली करी तू ये बता? नहीं तो मैं तो आपके पास आज तक आया नहीं, मैं तो आज तक दलाली करी, मैंने कौन सी दलाली करी तेरे, तू ये बता? एक आदमी देखे दलाली करने वाला, जो चाहोगे वो लिखोगे तुम लोग, जो तुम्हारे मन में हो तुम पता हम लोग क्या कर रहे हैं? अपने समन्वयक से पूछो संघ के जो तुम्हारे अधिकारी हैं कि हम लोग क्या कर रहे हैं, वो बताएंगे तुम्हें। दिखावे का काम हमसे नहीं आता है, पिछली बार लॉकडाउन लगा लाखों रुपए जेब से भूख के लाखों लोगों को भोजन पहुंचाने का काम किया, खाने के पैकेट लाखों की संख्या में, एक फोटो नहीं खिंचवाया। हम लोग फेसबुक पर नहीं डाल रहे थे, फेसबुक पर अब तुम लोगों की वजह से डालने पड़े ये कल फोटो, तुम लोगों की वजह से, तुम जैसे लोग जो फेसबुक पे 10-20 लोग लिखते हैं उल्टा सीधा, खाली उन लोगों को दिखावे की आपकी नजर में मैं किसी और का काम करता हूं? आज तक साला कोई फोटो दिखावे के लिए नहीं का, कोई उंगली नहीं उठा सकता कोई गलत काम किया हो किसी का। आपकी नजर में मैं किसी और का कार्य करता हूं, किसी और पार्टी का कार्य करता हूं, किसी और का चुनाव लड़ा रहा हूं? तो तुम लोग लिखोगे कौन कौन, ये चोटी चोर समाजवादी पार्टी वाले आके ये लोग सरकार चलाएंगे? मैं उनसे काम कर रहे हैं, मोदी योगी के लिए काम कर रही है कौन, बीजेपी के लिए कौन लिख रहा है? तो किसके लिए लिख रहे हो? बीजेपी के लिए कौन लिख रहा है? अरे किसके लिए लिख रहे हो? मैं भाई साहब जिसका चुनाव लड़ा रहा हूँ, जिसका पोलिंग एजेंट बन रहा हूँ, जिसकी पर्ची बांट रहा हूँ, मैं उसी से तो उम्मीद रखूंगा ना कि कार्यकर्ताओं की मदद हो। नहीं क्या मदद नहीं हो रही, कौन से कार्यकर्ता की मदद नहीं हो रही, कौन कार्यकर्ता है उसकी मदद नहीं हुई है? धर्मेश सैनी की चाची एक्सपायर हुई, उनको बेड नहीं मिला कहीं। मैंने एक्सपायर कर दी हो? नहीं तो आपके कौन कह रहा है? लेकिन जब पिछले साल यहाँ पे क्या कहते हैं कोविड सेंटर चाची एक्सपायर हुई तो तुम बचा लेते हो उसे? तो भाई तो मेरे ठेकेदार हो ना समाज के, और मैं जनप्रतिनिधि नहीं हूँ ना, जनप्रतिनिधि आप हो ना। जनप्रतिनिधि क्या करेगा, कोई किसी की अगर डेथ हो रही है तो जनप्रतिनिधि मार दिया उसे, मैंने मार दिया उसकी चाची को। पिछली बार कोविड सेंटर अस्पतालों में इधर स्कूलों में और बैंकेट हॉल में बनाए गए थे उसकी चाची को, पिछली बार बैंकेट हॉल में ये बात पिछली बार रहो अपनी, मैं बता रहा हूँ भाई साहब अपनी औकात में हूँ, अपने दम पे खा पी रहा हूँ, किसी का तो लेकर नहीं खा रहा ना। हाँ तो हम किसी का लेकर खा रहे, तू नहीं खा रहा तो साले मारूंगा जूते आगे हो जाएगा सही, साले हम भी अपने दम पे खा रहे हैं, अपने दम पे खा रहे हैं, अपने दम पे खा रहे हैं, समझे? तू तो बहुत बड़ा कोठी में राजा से बोल रहे हैं, तूने कितने लोगों के साथ अच्छा काम कर दिया, तू तो बहुत बड़ा नेता है वेस्ट समाज का प्रदेश का, तूने कितने लोगों की मदद कर दी, कितने लोगों की तूने जान बचा दी, कितने लोगों का एडमिट करा दिया, कितने लोगों का रेमडेसिविर दिलवा दिया, कितने लोगों का भोजन का इंतजाम करा दिया तूने? साले दिमाग खराब है बिल्कुल, बताऊंगा तेरे को अभी सब कुछ, लिख तू तेरे को जितना लिखना तेरे औकात दिखूंगा मैं तेरे को साले। ठीक न्यूज डेस्क INN।